बट हम ऑफलाइन मोड पर 60 MCQs के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट लेसन्स, एक्सपर्ट ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने ऑलमोस्ट एक साल से मिस किया है। इसमें हमारे प्रोफेसर्स का भी कोई कसूर नहीं, मगर इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है। हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमारे पास कोई मटीरियल नहीं है, मार्केट बंद पड़े हैं, 3 महीने से कॉन्टीन्यूसली लॉकडाउन में है। क्या इनको ये समझ नहीं आ रही है बात? ये कहते हैं कि ऑफलाइन मोड पर, वो भी विद इन अ मंथ आपको अपीयर होना है, दैट टू विद 60 MCQs। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि आपने इसके बारे में किसी से बात की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में? एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, सब से बात की, कोई हमारी बात से अग्री नहीं हो रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं, उनका ये मानना है जो उन्होंने डिसीजन लिया है बस वो सही है, वो स्टूडेंट्स के हक में, जबकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसको अपोज कर रहे हैं, बट ये फिर भी कह रहे हैं। एक बात मुझे बताएं कि ये खाली 6th semester का मसला है कि जो बाकी सेम्स है, 4th sem, 3rd sem, 2nd sem के लिए भी है, ये 4th sem वालों का मसला भी है, 6th sem वालों का मसला भी है। ठीक ठीक, तो आपसे आपके साथ 4th sem वाले भी आए हैं कोई बंदे यहाँ पे? हाँ, सारे बहुत सारे हैं। जो 4th sem का है वो बात करें, 4th sem की भी यहाँ पे, 6th sem की भी है यहाँ पे, यहाँ पे 2nd sem वाले भी है, इवन वुमेन्स कॉलेज से भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप वीडियो प्लीज वहाँ से लीजिए, आप देखिए आप कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो कि इस टाइम वुमेन्स कॉलेज से। हमारी बस एक ही डिमांड है कि इन्होंने हमें कहा है कि हमें ऑफलाइन मोड पे एग्जाम है, जो कि हम इस टाइम पॉसिबल नहीं कर सकते। क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेदार रहेगी कि अगर हमारे तो किसी फैमिली आपने बीसी से बात की इस बारे में? परसों भी हम यहाँ पे आए थे, परसों भी हमारा यही प्रोटेस्ट था, उन्होंने वहाँ से हमें कोई भी जवाब नहीं दिया, दे जस्ट रैन लाइक अ रैट। बीसी आपसे मिले, आपने कोई रेजोल्यूशन दिया उनको? जी हाँ, करना पॉज यहाँ पे काटेंगे। मतलब अगर हम देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ 6th sem का मसला नहीं है, 2nd sem और 4th sem के भी हम स्टूडेंट्स हैं। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले इन लोगों ने बोला कि मास प्रमोशन हो रही है, और उसके बाद अभी हम लोगों को बोल रहे हैं कि एग्जाम, हमें एग्जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसके बाद अब ये ना बोले कि हम लोगों ने इनको ऐसे प्रमोट कर दिया है। और फिर देखें कि सिलेबस का भी क्या सीन रहता है, कैसा रहता है, इन सब हालातों को कंसिडरेशन में लेके लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, इन सब कंडीशंस को लेके देखें। अच्छा, आप किस कॉलेज से हैं? अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल कॉलेज। ठीक, तो आप मुझे बताइए, आपने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? एडमिनिस्ट्रेशन से पास भी गए वो लोग, इन सबका यही है कि यूनिवर्सिटी का डिसीजन ऐसे है, तो यूनिवर्सिटी जो इन्होंने बोला था मास प्रमोशंस का, उसमें क्या हुआ? लोगों ने ऑर्डर निकाला मास प्रमोशन का, एंड उसके बाद अभी हम लोगों को बोला असाइनमेंट सबमिट करो, असाइनमेंट को अभी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर्स है, अभी वो पेपर्स भी कब होते हैं उनका भी कुछ प्रॉपर नोटिफिकेशन निकलता नहीं है, कभी शाम को बोल दे रहे हैं कि अभी आप लोगों का एग्जाम है, ये लिंक भेज रहे हैं इस पे दे दो, कुछ भी ऐसे प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अच्छा, वीसी से आपने बात की यहाँ पे जो क्लस्टर हेड है? परसों भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे जैसे कि अभी इन्होंने आपको बोला, तो उनसे भी बात करके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब आपकी डिमांड